नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से टारगेट एट जीओवी जॉब्स पे। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो आज शुरू करते हैं 2 अप्रैल का करंट अफेयर्स। सबसे पहले द विंबलडन और द चैम्पियनशिप। तो जो विंबलडन है या जो चैम्पियनशिप है, टेनिस की ये चैम्पियनशिप है, ये पहले होने वाली थी जून 29 से लेके जुलाई 12, 2020 में, और कहाँ पे होने वाली थी, आउटस्क्रीट ऑफ लंदन के अंदर। लेकिन अब कोरोना वायरस के कारण इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो द ऑल इंग्लैंड क्लब, जो ये और टेनिस प्रतियोगिता जो है विंबलडन ये ऑर्गेनाइज करवाता है, द ऑल इंग्लैंड क्लब अनाउंस्ड कि इसका जो नेक्स्ट एडिशन है वो अब जून 28 से जुलाई 11 2021 में होगा। लगभग 1 साल आगे ये प्रतियोगिता अब शिफ्ट करती गई है, पोस्टपोन करती गई है। तो हमें याद रखना है, जो विंबलडन है वो होने वाला था जून 2020 से जुलाई 12, 2020 तक, अब इसको जून 28 से जुलाई 11, 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट सबसे पहले 1877 में शुरू हुआ था और इसको आज तक केवल 2 बार रोका गया है। पहला तो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुआ था 1915 से 1918 तक, और फिर जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था 1940 से 1945 तक। इसके अलावा ये 1877 से लगातार हो रहा है। अब इसको कोरोना वायरस के कारण भी 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। देखिए दोस्तों, लगभग 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हो गया। तो एक तो हो गया विंबलडन, 3 हैं बाकी के, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। इस विंबलडन की खास बात यह है कि ये ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है। कैसे कोर्ट पर, मतलब इसका जो ग्राउंड होता है वो कैसा होता है, ग्रास होता है। वहीं पर जो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर होते हैं, फ्रेंच ओपन वो क्ले यानी मिट्टी के ऊपर होता है, और विंबलडन जो है वो ग्रास के ऊपर होता है। और इस ग्रास पे होने के कारण ही इसको द चैम्पियनशिप कहा जाता है। तो याद ये रखना है हमें कि अब नई डेट क्या आ गई है इसकी, वो आ गई है जून 28 से जुलाई 11, 2021। किसने अनाउंस किया है, ऑल इंग्लैंड क्लब अनाउंस, ऑल इंग्लैंड क्लब है, इन्होंने ये अनाउंस किया है। नेक्स्ट है कोरोना वॉच। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका की, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कोरोना वॉच। ये क्या करेगी, जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है उनकी ट्रेवल हिस्ट्री चेक करेगी। तो एम्स टू ट्रैक द मूवमेंट हिस्ट्री ऑफ पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव, जो भी कोरोना के टेस्ट से पॉजिटिव आया है उसकी ट्रेवल हिस्ट्री चेक की जाएगी। दियर डिटेक्शन इन ऑर्डर टू टेक प्रिकॉशंस एंड कंटेन टू कोरोना आउटब्रेक, मतलब उस साइकिल तोड़ने के लिए जो भी ट्रेवल हिस्ट्री रही है किसी भी पेशेंट की, वो चेक की जाएगी इस कोरोना वॉच के तहत। साथ में ही कर्नाटका गवर्नमेंट ने 10 मेंबर्स टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 ये भी बनाया है। 10 मेंबर हैं इस टास्क फोर्स में, जो कि आईटी एप्लीकेशंस और जीपीएस की सहायता से जो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोग हैं उनको ट्रैक करेगी, वो कहां कहां पे जा रहे हैं। तो और चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला, और कैपिटल है बेंगलुरु। तो कोरोना वॉच किसने लॉन्च किया है, कर्नाटका ने लॉन्च किया है, मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि ट्रेवल हिस्ट्री डिटेक्ट करेगी, ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में बताएगी जो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रो आर्ट। तो ये ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, इन्होंने एक कॉम्पिटिशन लॉन्च किया, एक प्रतियोगिता लॉन्च की जिसका नाम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना, कोरोना के खिलाफ हमें एकजुट रहना है, एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, और इसको आर्ट के थ्रू दिखाना है। तो यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, द आर्ट इन द टाइम ऑफ कोरोना, एक तरीके की ये आर्ट बनाई, एक लॉन्च की गई है किसके द्वारा, ICCR, ये कॉम्पिटिशन लॉन्च किया गया है ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन। इसका एम जो है दोस्तों, एम है टू यूनाइट द सिटीजन अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर सिटीजन्स को यूनाइट करना, एकता के लिए प्रेरित करना है। ये कॉम्पिटिशन है वो अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स
और इनिशिएटिव लिया गया है और ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये आईसीसीआर। तो अनाउंस तो किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इसको ऑर्गेनाइज कराएगा आईसीसीआर। आईसीसीआर की बात करें तो हेडक्वार्टर तो है इसका न्यू दिल्ली में, फाउंडर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और प्रेसिडेंट है डॉक्टर विनय सहर्ष बुद्धि। तो यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रो आर्ट, आईसीसीआर ने कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है, आर्ट है एक तरीके से, इसमें कॉम्पिटिशन में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है दोस्तों, द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो कि एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है, इन्होंने एक्सटेंड कर दी है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर 1 ईयर। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उन्होंने 1 साल तक के लिए बढ़ा दी है। ये इसकी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये 1 अप्रैल 2015 में बनाई गई थी 5 सालों के लिए। जो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये 5 सालों के लिए 1 अप्रैल 2015 में बनाई गई थी, जो कि 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब इसको भी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अबाउट कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल। UNCTAD तो ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन्होंने एक टाइटल दिया है द कोविड-19 शॉक टू डेवलपिंग कंट्रीज, जो कोरोना वायरस के कारण जो विकासशील देश हैं डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जो नुकसान होने वाला है उसके लिए इन्होंने ये टाइटल दिया है। उन्होंने ये बोला है कि द ईयर 2020 विल बी फेस वर्ल्ड रिसेशन, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आएगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना को छोड़कर पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आएगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्थिक मंदी आ सकती है। ये किसने दिया है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि टाइटल है क्या दिया है द कोविड-19 शॉक द डेवलपिंग कंट्रीज। इनकी बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, सेक्रेटरी जनरल है मुक्सीसा किटुई, ये इनके सेक्रेटरी जनरल है। तो याद रखना है हमें केवल इंडिया और चाइना को छोड़कर वर्ल्ड में रिसेशन आ सकता है, ऐसा इन्होंने बताया UNCTAD ने। वेज एंड मींस, तो इंडियाज सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इंक्रीज कर दी है लिमिट, किसकी, वेज एंड मींस की, WMA की लिमिट इंक्रीज कर दी है 1.2 लाख करोड़ कर दिए फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो पहला हाफ है फाइनेंशियल ईयर का उसको बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। हेडक्वार्टर है RBI का मुंबई महाराष्ट्र में, फॉर्मेशन हुआ 1 अप्रैल 1935 में, गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है USD, द वर्ल्ड बैंक है उन्होंने इंडिया के अंदर कोविड-19 के तहत मेडिकल सिस्टम की हालत को सुधारने के लिए 4 साल में मेडिकल की हालत को सुधारने के लिए $1 बिलियन का ऑफर किया है। द वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑफर्ड $1 बिलियन टू इंडिया फॉर द प्रपोज्ड ऑफ 4 ईयर कोविड इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम। तो इमरजेंसी जो आपातकालीन रेस्पॉन्स और मेडिकल सुविधा को सुधारने के लिए $1 बिलियन का वर्ल्ड बैंक ने ऑफर किया है। इसका एम है कि हम इंडिया की मेडिकल केयर सिस्टम को डेवलप कर सकें। डॉक्टर लक्ष्मी नारायणन, ये आप फोटो देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायणन की, ये क्या है दोस्तों, जो डॉक्टर लक्ष्मी नारायणन है जो कि होल टाइम डायरेक्टर ऑफ सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के जो कि डायरेक्टर हैं, अब उनको प्रमोट कर दिया गया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ होल ओवेंड होम फाइनेंस सब्सिडरी सुंदरम होम फाइनेंस। तो कंपनी है सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के ये डायरेक्टर हैं, अब इनको प्रमोट कर सुंदरम होम फाइनेंस का इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। तो सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण को उनके पूर्ण स्वामित्व वाली गृह वित्तीय सहायक सुंदरम होम फाइनेंस के प्रबंधक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में
पदोन्नत किया गया है। तो याद इतना ही रखना है, डी लक्ष्मी नारायणन जो कि पहले डायरेक्टर थे सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के, अब इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है सुंदरम होम फाइनेंस का। बात करते हैं, ये 1 अप्रैल 2020 से अपना चार्ज लेंगे और रिप्लेस करेंगे किसको, श्रीनिवास आचार्य को। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के चेयरमैन है टीटी श्रीनिवास, श्रीनिवास गरघावन, और हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हैज कंप्लीटेड द मर्जर ऑफ ग्लैक्सको स्मिथ क्लीन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। तो जो हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG कंपनी है, अपनी इंडिया की है, इन्होंने मर्जर कर लिया है किसके साथ, ग्लैक्सको स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड GSKCH इंडिया के साथ इन्होंने मर्ज कर लिया है। ये जो मर्जर है ये अनाउंस हो गया था दिसंबर 3, 2018 को। हिंदुस्तान लीवर की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है संजीव मेहता। अबाउट ग्लैक्सको स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड की बात करें तो हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा। तो ये जो मर्जर हुआ है ये किस किस के बीच में हुआ है, हिंदुस्तान लीवर और ग्लैक्सको स्मिथ क्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड के बीच में ये मर्जर हुआ है। सनराइज, तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने लॉन्च किया है एक नया मिशन जिसका नाम दिया है सनराइज। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, सन राइज का हो गया रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट सनराइज की फुल फॉर्म हो गई। इसके तहत क्या है दोस्तों कि जो सन में जो गेंट स्पेस वेदर स्ट्रोम जो ये स्ट्रोम आते हैं उनकी स्टडी के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया और इसका नाम रखा गया है सनराइज। प्रज्ञाम, तो ये है झारखंड गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम है प्रज्ञाम, और इसके तहत ई पास दिया जाएगा एवरीवन एसोसिएटेड विद डिलीवरी ऑफ इसेंशियल सर्विसेज, जो भी अति आवश्यक ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आवश्यक ज़रूरी चीज़ें हैं उनको डिलीवर करने के लिए ई पास इश्यू करने के लिए ये एक मोबाइल ऐप है प्रज्ञाम, इनको लॉन्च किया गया है PRAGYAAM प्रज्ञाम। झारखंड की बात करें तो कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। हैश इंडिया फाइट कोरोना एंड यूज द हैंडल @COVIDNewsByMIB। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने एक ट्विटर हैंडल बनाया, ट्विटर बनाया है शेयरिंग न्यूज एंड अपडेट्स, कोरोना वायरस की न्यूज और अपडेट करने के लिए इन्होंने ये बनाया। तो इसमें जो अकाउंट का नाम है वो तो हैश इंडिया फाइट कोरोना, और जो ट्विटर हैंडल है वो है @COVIDNewsByMIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग MIB। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी तो ये बनाया जाता है 31 मार्च को, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 31 मार्च को बनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, तो ये कैंपेन लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ये कैंपेन लॉन्च किया गया एक्टिव डेस फाइंडिंग कैंपेन इन स्टेट अपने राज्य में। इसका रोल है जो है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट सिम्टम्स ऑफ COVID-19, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड है, कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में जागरूक करने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन चलाया गया है। चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंदरू दत्तराया। उत्कल दिवस, ओडिशा डे, तो देखिए दोस्तों जो उत्कल दिवस है वो नाम से तो पता ही है ओडिशा है, ओडिशा के लिए बनाया जाएगा, तो उत्कल दिवस इसका नाम है, उत्कल दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर बार 1 अप्रैल ओडिशा के अंदर। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि
इसी दिन ओडिशा बना था, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा का अलग हुआ था, एज ए स्टेट, एज ए राज्य बना था ये 1 अप्रैल 1936 को, इसलिए 1 अप्रैल को ये उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस बनाया जाता है। ये कौन सा उत्कल दिवस हो गया? 83वां उत्कल दिवस बनाया गया है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को बना था। अब कहाँ से ये अलग हुआ था? बंगाल, बंगाल बिहार और ओडिशा प्रोविनेंस से ये मिलकर ये अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को 83वां बनाया गया उत्कल दिवस और ओडिशा दिवस। गवर्नर है ओडिशा के गणेशी लाल, और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और कैपिटल है ओडिशा की भुवनेश्वर। तो आज का आपको वीडियो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें।